जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आपके भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें आपके संपूर्ण भूगोल होंगे भारत के, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, टोटल 120 प्रश्नों से ऊपर करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि यह महामैराथन क्लासेस में आप सभी लोग जो है ज्वाइन हो जाइए, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। इसमें से आपको एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें इससे पहले हमने जो है संपूर्ण इतिहास करा दिया है, संपूर्ण भारत का विविध करा दिया है, और आज हम जो है भारत के भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। तो सभी लोग तैयार हैं, चलते हैं प्रश्न के ऊपर, और आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति है, बताइएगा। जो हमारी गैलेक्सी है, समझ गए, जो हमारा गैलेक्सी यानी कि जो हमारा आकाश गंगा मिल्की वे है, ये सब जो गैलेक्सी होता है, उसका जो आकृति है वो कैसी है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय या सर्पिल या परवलीय, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका कैसा है, वृत्त के आकार है कि सर्पिल है कि आपका जो है परवलीय है। परवलीय कहने का मतलब पैराबोला इस तरह का है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी गैलेक्सी है ना, उसकी आकृति जो है आपका सर्पिल है, समझ गए, सर्पिल टाइप का है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा, समझ गए। सर्पिल को हम लोग जो है स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल यानी ऐसे होता है, आपने स्पाइरल कॉपी दिखा है ना, इस तरह स्पाइरल बोलते हैं, याद रखिए, अंग्रेजी में इसको स्पाइरल बोलते हैं। आकार आकाश गंगा एक जो है सर्पिल है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। अब यहाँ पर आपका पूछा है कि पृथ्वी जो है किस गैलेक्सी का भाग है, ऊर्सा माइनर, एकल पटल, ड्रेको या मिल्की वे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पृथ्वी है या आपका जो है गैलेक्सी का जो भाग है वो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। अब ये आपको पता होनी चाहिए, 7 है कि 8 है कि आपका 9 है कि 10 है। तो आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या क्या है, 8 है। कितनी है, 8 है। सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछ लेगा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह तो क्या बोलिएगा, बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है, समझ गए। छोटा ग्रह कौन है, तो आपका बुध है, छोटा ग्रह आपका जो है बुध है, याद रखिएगा, क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर प्रश्न देखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। शुक्र ग्रह को हम लोग जो है चमकीला ग्रह कहते हैं, और इसी ग्रह को हम लोग पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की बहन कहिए या भोर का तारा बोलिए, भोर का तारा भी इसी को बोलते हैं, या संध्या का ग्रह बोलिए, इसी को बोलते हैं, क्लियर है ना जी। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 5 नंबर है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह। अभी मैंने आपको बताया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है आपका बृहस्पति होता है, बृहस्पति यानी कि ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है, क्लियर है। और आपको बुध अगर कहीं दिख जाए तो बुध जो होता है आपका छोटा ग्रह होता है, याद रखिएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, ये ग्रह मुझे बताने की जरूरत है क्या। लाल ग्रह जो है हम लोग मंगल को कहते हैं, मंगल को जो है लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन आपका सी सही है, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी जो है आपके कितने नंबर पर ग्रह है, तो पृथ्वी जो है आपके सूर्य की दूरी से, याद रखिएगा, सूर्य की दूरी से पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है, याद रखिएगा। सूर्य की दूरी से पृथ्वी जो है, सूर्य मान लीजिए कि एक नंबर, दो नंबर, और ये तीसरा पर जो है यहाँ पर पृथ्वी है सूर्य के बाद, तो उसके निकट कौन कौन है ये आपको बताना है। तो बताइए कौन है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो जो है आपका शुक्र है। क्या है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, आपका शुक्र है, क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, बताइएगा। सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का निकटतम तारा बोला है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस, समझे, सीरियस और वोल्फ या लैंडलैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मुझे बता दीजिएगा। तो सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है ना वो आपका जो है क्या है,
सेंचुरी है, क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्लियर है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है पूछते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट बुक कौन है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे चक्षु पब्लिकेशन का जो है ये बेस्ट बुक है, आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि इसकी खासियत यह है कि इसमें आपके दो बुक आते हैं, एक आपका स्टडी गाइड आता है जो कि आपको पूरी तरीके से इसमें आपके चैप्टर वाइज कंसेप्ट दिए गए हैं, उसके बाद आप जो है इसमें आप थ्योरी पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए, फिर आप प्रैक्टिस लगाइए, पूरे चैप्टर दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ सभी कुछ दिए गए हैं। साथ ही साथ और भी अपने मजबूती को बढ़ावा देने के लिए आप जो है चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जिसमें आपको मोर देन सफिशियंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आप इसको लेकर लगा सकते हैं। जो भी बच्चे बुक लेना चाहते हैं जल्द से जल्द ले लीजिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन बेस्ट बुक है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है 9 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, मतलब कि सूर्य से दूरी के स्थित पर जो है ग्रह कौन सा है। यहाँ पर देखिएगा प्लूटो है, वरुण है, अरुण है और यहाँ पर बृहस्पति है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य के सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो आपका वरुण है। कौन है? वरुण यानी नेपच्यून, इसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा बुध, फिर यहाँ पर है प्लूटो, फिर यहाँ पर है पृथ्वी, फिर यहाँ पर है आपका मंगल। तो याद रखिएगा यहाँ तो सबसे बड़ा ग्रह बोला है ना, सबसे बड़ा ग्रह जो होता है आपका बृहस्पति होता है। क्या होता है? बृहस्पति होता है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, इस ऑप्शन को रब कर लीजिएगा, समझ गए? यहाँ पर इस ऑप्शन को रब कर लीजिएगा और यहाँ पर आप आंसर ले लीजिएगा ये वाले बी नंबर ऑप्शन को, बी नंबर ऑप्शन को, क्लियर है? बृहस्पति होता है यहाँ पर और गलत है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है, बताइएगा। घूर्णन, परिक्रमण या भ्रमण या ये सभी। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हमारा जो पृथ्वी पर ऋतुए का मतलब परिवर्तन होता है वह जो है पृथ्वी का जो है परिक्रमण के कारण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, घूर्णन गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण या गुरुत्वाकर्षण या ये सभी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का जो कारण है वह हमारा घूर्णन के कारण होता है, समझ गए? घूर्णन गति के कारण जो है हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात होते हैं। लेकिन पृथ्वी पर ऋतुओं का जो आपका परिवर्तन होता है ना वो परिक्रमण के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर दिन रात जो होता है घूर्णन के कारण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि दिन और रात रात जो है कहाँ बराबर होता है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर। तो दिन और रात जो होता है बराबर आपका जो होता है विषुवत रेखा पर होता है, विषुवत रेखा मतलब कि इक्वेटर के आसपास होता है आपका, समझ गए? विषुवत रेखा पर होता है। कर्क रेखा जो होता है आपका कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा, मित्र पर गमछाधर, समझ गए? मकर रेखा जो है आपका 5 राज्यों से होकर गुजरता है शायद। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है कितना, 107 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों की दूरी जो होती है वो आपका कितना होता है मुझे बता दीजिए। तो दो अक्षांशों की दूरी जो होती है आपका 111 किलोमीटर होता है, कितना होता है 111 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, क्लियर है जी? चलिए इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, गेनीमेड, फोबोस, डेमोस, बताइएगा, डेमोस। तो आप सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी का जो है उपग्रह जो है आपका चंद्रमा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 16 नंबर, निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है दिन और रात जो है कब बराबर होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर, और यहाँ पर 22 सितंबर दिया, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को ये दोनों दिन क्या होता है कि दिन और रात जो है आपका बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए और बी हो जाएगा, क्लियर है, ए और बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण जो है कब होता है, जब बताना है आपको कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की मतलब क्या होता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, कि आपका जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, कब होता है ये बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, नहीं गलत है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा पर, सीधी रेखा में होती है, नहीं सूर्य सीधी रेखा में तो होती ही नहीं है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, नहीं ये भी गलत है, बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी क्या होता है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है, इसलिए जो है चंद्र ग्रहण होता है,
सूर्य और चांद के बीच जो है पृथ्वी आ जाता है, इसलिए चंद्रग्रहण होता है। अगला भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सूर्यग्रहण कब होता है देख लीजिएगा, याद रखिएगा। ऊपर क्या था कि जो हमारा पृथ्वी था वो हमारा सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता था, इसलिए जो है चंद्रग्रहण था, यानी कि पृथ्वी ही आ जाता है बीच में। लेकिन यहाँ पर सूर्यग्रहण में थोड़ा उल्टा होता है। सूर्यग्रहण में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य जो होता है और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है, इसीलिए जो है आपका सूर्यग्रहण होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, सूर्यग्रहण बोलते हैं। समझ गए जी, क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है 19 नंबर प्रश्न है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, बताइएगा। आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में, उपयुक्त सभी। तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है यह आपका दिखाई देता है सभी जगह, अंटार्कटिक क्षेत्र में भी, अंटार्कटिक क्षेत्र में और नॉर्वे में भी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं मेंडल, क्रोड, क्रस्ट या उपयुक्त सभी। तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत होता है ना, उसको हम लोग जो है क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट यानी कि भूपट्टी कहते हैं, समझ गए, भूपरटी। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो आपका भूपट्टी में किस तत्वों का मात्रा सर्वाधिक होता है, लोहा का, ऑक्सीजन का, एल्युमिनियम का, उपयुक्त में से कोई नहीं, समझ गए। तो जो आपकी पृथ्वी की ऊपरी पटल होता है, परत होता है, उसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में आपका जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा, क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है, तो खनिज तेल एवं कोयला जो है यह आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन वन इज करेक्ट, यानी कि अवसादी चट्टान में जो है आपका खनिज और तेल और कोयला जो है पाया जाता है, क्लियर है जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि वनस्पतियों एवं जीव विज्ञानों का जीवाश्म कैसे चट्टानों में पाया जाता है, तो वनस्पति एवं जीव विज्ञानों का जीवाश्म जो है चट्टानों में पाया जाता है, वो कोई और चट्टान नहीं बल्कि वो आपका जो है अवसादी होता है, समझ गए, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ऊपर अभी आपने दो प्रश्न देखा है, देखिएगा यहाँ भी खनिज तेल एवं कोयला, तो खनिज तेल कहाँ से मिलता है, वनस्पतियों से मिलता है, जीव जंतुओं से मिलता है, वही बात है, खनिज तेल हमें कहाँ से मिलता है, वनस्पतियों से ना मिलता है, खनिज तेल हमें वनस्पतियों से, जीव जंतुओं से मिलता है, इसीलिए इसका भी आंसर आपका अवसादी हो जाए, क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है, बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा एकांगागुआ या किलिमंजारो या कोटोपैक्सी या मोनालोसा, मोनालोवा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा कोटोपैक्सी, यह जो है क्या है कि सबसे ऊंचा जलवायु ज्वालामुखी पर्वत है विश्व का, समझ गए। आइए अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, 25 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापा किस यंत्र से जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, शायद मैंने अभी आपको ये प्रश्न बताया है कि विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, कोटोपैक्सी है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कोटोपैक्सी, समझ गए, कोटोपैक्सी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो यहाँ देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, एशिया में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निम्नलिखित तो मतलब महाद्वीपों में ज्वालामुखी नहीं है, तो वह जो आपका है ऑस्ट्रेलिया है, वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, छोटा भी है ऐसे भी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है, और आपका पठार मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो आपका जो है तिब्बत का पठार है, याद रखिएगा, कौन है, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है, ऑप्शन देखिएगा, बोलोविया जो दक्षिण अफ्रीका में है, टिटिका है, चार्ड, बैकाल और जिनेवा जो कि रूस में है, स्विट्जरलैंड में है, दक्षिण अफ्रीका में है, सबका नाम दिया हुआ है। तो देखिए विश्व का सबसे गहरी झील जो है यह आपका जो है बैकाल झील है, बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है, कहाँ पर है, रूस में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, सुपीरियर बताइएगा, कैस्पियन, बैकाल, टिटिकाका। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैंने ये प्रश्न आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ी यहाँ पर था और सबसे गहरी, तो याद रखिएगा कि गहरी अगर पूछेगा गहरा में तो वैकाल, गहरा में आपका वैकाल हो जाएगा, और बड़ी में अगर आपके बड़ी पूछ ले ये क्या था, गहरा था, समझ गए, ये गहरा था, और बड़ी में पूछेगा तो आपका कैस्पियन, कैस्पियन सागर हो जाएगा, समझ गए, ये सबसे बड़ी झील है कैस्पियन, इधर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा,
विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है, तो ये तो आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, याद होगा भी बहुत बार, सुपीरियर झील होता है, सुपीरियर सुपीरियर झील जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जो है मतलब स्रोत है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील बताइएगा क्या है। यहाँ पर देखिएगा विक्टोरिया, ईडी और मिशिगन और कैस्पिसियन, तो बताइए क्या है। यहाँ पर याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़े खारे पानी का झील जो है कैस्पिसियन है, समझ गए, कैस्पियन। यहाँ पर देखिएगा ये तीन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील आपका बैकाल झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पिसियन सागर जो कि खारे पानी का भी झील है, और विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील सुपीरियर झील, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कैस्पियन सागर, समझ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, वान लेक, चिल्का, कैस्पियन और टिटिकाका, सबसे ऊंची बोला है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे गहरी नहीं, सबसे गहरी तो बैकाल, समझ गए, तो ये बताइएगा सबसे यहाँ पर आपसे पूछा है ऊंची झील, तो यहाँ पर देखिएगा वान लेक, चिल्का, कैस्पियन और टिटिकाका, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टिटिकाका, समझ गए, सबसे क्या है ऊंची झील है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी टिटिकाका, क्लियर है जी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, तो सबसे बड़ी द्वीप जो है आपका ग्रीनलैंड है, कौन है, समझ गए, सबसे बड़ी द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप, महादेश, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे छोटा महादेश जो है वो आपका कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 36 नंबर, विश्व की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रेणी कौन है, रॉकी है, एंडीज है, काराकोरम है या अलास्का है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कोई और नहीं बल्कि आपका जो है एंडीज पर्वत है, क्या है, एंडीज पर्वत, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि विश्व के सबसे बड़ी मरुस्थल कौन है, गोबी, सहारा, कालाहारी, थार, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ना वो कोई और नहीं बल्कि आपका जो है सहारा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, लेकिन अगर एशिया का पूछ देता, समझ गए, अगर एशिया का पूछता तो एशिया का आपका गोबी है, समझ गए, एशिया का सबसे बड़ी मरुस्थल आपका गोबी है, लेकिन विश्व का पूछा है तो यहाँ पर सहारा हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ देखिएगा कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है जलमंडल विस्तार है, 29%, 65%, 71%, 74%, तो जल मंडल कहने का मतलब कि जल का प्रतिशत ज्यादा है तो वह कितने पर है, तो 71% जो है आपका जल का भाग है और 29% आपका क्या है, भूभाग है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सबसे बड़ा महासागर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को मालूम है कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो वो जो है आपका प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त, सुंडा गर्त, यूटोरियुको और मोरियाना गर्त, मोरियाना ट्रेच और टोका गर्त, तो विश्व का सबसे बड़ा मतलब बड़ा गर्त जो है आपका मारियाना ट्रेंच है, समझ गए, मारियाना ट्रेंच, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में कौन सा लवक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम आपका क्लोराइड, तो देखिए समुद्री जल में जो है क्या होता है, ज्यादा खारा पानी होता है, तो कौन सा लवक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो लवक पाया जाता है ना वो सोडियम पाया जाता है, क्योंकि नमक में भी सोडियम होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा डी, यानी कि समुद्री जल में लवक की मात्रा ज्यादा, तो लवक कहने का मतलब कि खारा पानी ज्यादा होती है तो उसमें सोडियम तो होगा ना, सोडियम क्लोराइड, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि उच्च ज्वार सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीधी आने वाली आता है, ऐसा कब होता है, यानी कि उच्च ज्वार जो है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधा में जाने से आता है, ऐसा कब होता है, अमावस्या को, पूर्णिमा को, सप्ती को, ए और बी दोनों, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो आपका डी हो जाएगा, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को, समझ गए, अमावस्या और पूर्णिमा दिनों को, दिन रात बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पाक जल संधि किसको जोड़ती है, पाक जल संधि जो है आपको बताइएगा, अंडमान सागर एवं चीन सागर को, जावा सागर को, हिंद महासागर को, बंगाल एवं बंगाल की खाड़ी को, कच्छ एवं खंबात की खाड़ी को, तो जो आपका पाक जल संधि है ना यह आपका जो है जोड़ता है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए, श्रीलंका को इसी पाक जल समूह के अंदर से अलग किया गया है, क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि लाल सागर भूमध्य सागर के किन नगरों को जोड़ता है, पनामा को, स्वेज को, कील को, ईरी को, तो याद रखिएगा कि लाल सागर भूमध्य सागर जो है निम्नलिखित में से जो है जिसको जोड़ता है वो कोई और नहीं बल्कि आपका स्वेज है, समझ गए, यानी कि लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर को जोड़ता है, तो स्वेज नहर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है आपका नील नदी है, समझ गए,
नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका नील नदी है। अगला प्रश्न है कि बरगद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, सॉरी बगदाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर है डेन्यूब और पोटोमेक, हडसन और ट्रिगस। बताइएगा, तो जो आपका बगदाद है ना, यह निम्नलिखित में से आपका जो है ट्रिगस नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो विश्व का ऊंचा जलप्रपात जो है आपका एंडीज जलप्रपात है। क्या है? एंडीज जलप्रपात है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो वायुमंडल में हमारी गैसों की स्थिति जो है आप सभी लोगों को पता है। तो कहने का मतलब है सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% शायद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल के किस परत में जो है मौसम संबंधित घटनाएं होती है। तो वह कौन सा है? क्षोभ मंडल, सपताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम संबंधित जो घटनाएं होती है वो आपका जो होता है क्षोभ मंडल में, जो कि वायुमंडल का सबसे निचला परत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, सपताप मंडल, आयन मंडल या बही मंडल? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ओजोन परत जो है यह आपका जो है निम्नलिखित में से जो है सपताप मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत। समझ गए? क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में किस परत को रेडियो तरंगे परिवर्तित करती है? सपताप, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बही मंडल? तो देखिए, वायुमंडल के जो है निम्नलिखित में से जो आपका रेडियो तरंगे होती है उसको क्या करती है, मतलब रोकने का काम करती है, वो कौन सा मंडल है? तो वो आपका जो है आयन मंडल है, याद रखिएगा, आयन मंडल। क्लियर है? वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? ये तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को बचपन से ही पता होगा, पढ़ते आ रहे होंगे बहुत समय से। वायुमंडल को हम लोग किस यंत्र से नापते हैं? मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो हाइग्रोमीटर से दाब मापते हैं। बताइएगा क्या होगा, मैनोमीटर या बैरोमीटर? यही में से आंसर होगा ना। तो वायुदाब से हम लोग जो है नापते हैं वो आपका बैरोमीटर होता है। क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, तो वायुमंडल की आर्द्रता हम लोग मापने के लिए जो है जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा सी। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, किससे? बताइएगा, ओजोन परत जो है पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो धर्मी तरंगे से, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा बताइए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणों से जो है हमारे ओजोन परत जो है पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है जी? अगला प्रश्न है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो आपका चीन है। कौन है? चीन है, याद रखिएगा, चीन है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? भारत, श्रीलंका, चीन, इंग्लैंड? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है चाय उत्पादन करता है वो कोई और नहीं बल्कि आपका भारत है, और आपका जो है साउथर्न पार्ट केरल, कर्नाटक, उड़ीसा में होता है। समझ गए? अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान? तो विश्व में जो है केले का सबसे ज्यादा जो है मतलब आपका उत्पादक करने वाला देश है वो कौन है? वो आपका भारत है, याद रखिएगा, भारत, केला में और चाय पत्ती में। अगला प्रश्न है, विश्व में लोह अयस्क का सबसे उत्पादक उत्पादक करता कौन है? मतलब कि चीन है, भारत है, यूएसए है या रूस है? तो लोहे की सर्वाधिक मात्रा जो है कहाँ पर उत्पादक होती है? तो वह जो होती है रूस में होती है, याद रखिएगा, रूस में। क्लियर है? विश्व में लोह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला देश जो है वो आपका कौन है? तो वो आपका रूस है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा जो है उत्पादक करने वाला देश कौन है? भारत, रूस, यूएसए, चीन? तो कोयले के उत्पादक करने में सबसे आगे जो कौन है वो चीन है आपका, कोयला में हो गया, चावल में हो गया, ये सब में आपका, कपास में हो गया। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया? तो टीन का जो है सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो आपका जो है मलेशिया है, मलेशिया में जो है टीन का ज्यादा उत्पादक होता है। अगला प्रश्न है, पूर्वों का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मुंबई को, ओसाका को, शंघाई को, जयकार्ता को? तो पूर्वों का मैनचेस्टर आपको जो है निम्नलिखित में से जो है ओसाका को कहा जाता है, ओसाका। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, संसार की छत्र किसे कहा जाता है? पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट, K2 या एम्पायर
स्टेट बिल्डिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसार की छत जो है निम्नलिखित में से आपको जो है पामीर की पठार को कहा जाता है। याद रखिएगा, संसार की छत जो है पामीर का पठार को कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से जो है इंटरनल एवं आपका होली सिटी जो कहा जाता है वो किसी और को नहीं बल्कि आपका रोम को कहा जाता है, रोम। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरी, मैग्लगेन या वास्को डिगामा या एडम सेन। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एमंड सेन। एमंड सेन जो था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, एडम सेन, कैप्टन कुक, रॉबर्ट पियरी या कॉपरनिकस। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे और दक्षिणी ध्रुव पर एडम सेन। याद रखिएगा, दक्षिण में एडम और उत्तर में जो है रॉबर्ट। पूछा है कि रॉबर्ट कहाँ पर गए थे, तो उत्तर दिशा की ओर, और दक्षिण में एडम सेन गए थे। दक्षिण में उत्तर और दक्षिण, समझ गए, ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्या है, भारत, अरब प्रायद्वीपीय, ग्रीनलैंड और कतर। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय जो है वो आपका क्या है, कि अरब प्रायद्वीपीय है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, महानदी डेल्टा, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, नीलगिरी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना कोई और नहीं बल्कि वो डेल्टा जो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि विश्व की सबसे बड़ी ऊंची सड़क कौन है, काकोरम राजमार्ग, ट्रांस पैसिफिक मार्ग या लेह मनाली मार्ग या उमलिंग ला दर्रा मार्ग। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है वो कौन सा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है, ये शायद मैंने प्रश्न कराया था कि उमलिंग ला सड़क दर्रा है। अब लेह मनाली पहले था लेकिन अब जो है उमलिंग ला सड़क मार्ग है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है, गंगा, डेन्यूब, पोटोमेक, राइन। तो विश्व का सबसे व्यस्त मतलब कि व्यापारिक नदी है वो कोई और नहीं बल्कि आपका राइन नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, वेनिस को, कोचीन को, सूरत को, लक्षद्वीप को। तो अरब सागर की रानी जो है निम्नलिखित में से जिसे कहा जाता है कोई और नहीं बल्कि कोचीन को कहा जाता है, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 2.4% है। याद रखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का जो है 2.4% है और यह जो है सातवां नंबर पर आता है, सातवां नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, समझ गए। अगला देखिएगा, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो तटरेखा जो है सर्वाधिक मतलब किस राज्य की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, समझ गए, गुजरात की तटरेखा जो है सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो तटीय सीमा जो है सबसे छोटा जो है वो किसी और का नहीं बल्कि आपका गोवा का है, सबसे छोटा राज्य भी है और इसका तटीय सीमा भी छोटा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होता है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, देखिएगा दक्षिणतम बिंदु की बात किया है यानी कि नीचे की बात किया है, तो देखिएगा आलोंग या कन्याकुमारी या मिनिकॉय द्वीप या इंदिरा पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, तो दक्षिणतम बिंदु पूछा है, याद रखिएगा दक्षिणतम बिंदु आपको इंदिरा पॉइंट होता है, समझ गए ना, इंदिरा पॉइंट होता है, याद रखिएगा। और आपका इसके अगर पूछ लेते हैं वहीं पर कि आपका पूर्वी बिंदु तो किबू बोथा बोलते हैं, किबू बोथा, और उत्तरी पूछता तो आपका दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट नहीं इंदिरा कॉल होता है, समझ गए, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का स्थान क्या है, तो सातवां स्थान है, सातवां स्थान, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का स्थान जो है वो सातवां है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी सही है, क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न यही मैंने आपको बताया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है कितना डिग्री पर, 82 डिग्री 30 मिनट पर या 82 डिग्री दक्षिण देशांतर पर, उत्तरी देशांतर पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी भारत का सर्वाधिक समय मापा जाता है ना वो 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो आपका जो है पूर्वी देशांतर पर मापा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी देशांतर पर। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करें, क्षेत्रफल की सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य जो है आपका सिक्किम हो जाएगा, नहीं गोवा हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की बात किया ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा हो जाएगा, सबसे छोटा गोवा है, सही है। वो जनसंख्या की दृष्टि से शायद आपका सिक्किम हो जाता, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ये कुछ है ऐसा प्रश्न, आएगा तो आपको पता चल जाएगा, कैंसर मत लीजिएगा। या क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा है और 12 जो है आपका गुजरात है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, तापी, सोन, साबरमती, बताइएगा। यहाँ पर आपको अरेंज करना है,
पश्चिम की तरफ, यानी कहने का मतलब इस तरह का, अगर ये हमारा जो है पूरब है, इधर हमारा पश्चिम है, इधर बहने वाला नदी कौन है ये वाला बताइए, इधर यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मैं आपको बता दूं, नर्मदा है आपका, तापी है, तापी सोन नदी नहीं बताए, और यहाँ साबरमती। इस प्रश्न का उत्तर आपका सोन नदी जो उत्तर की तरफ बहता है, तो इसका आंसर आपका 1, 2, 4 हो जाएगा। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, तो वो काली मिट्टी होती है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए, काली मिट्टी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है, अरावली, सतपुरा, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी। तो अवशिष्ट पर्वत के लिए जो आपका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है वो कोई और नहीं बल्कि अरावली पर्वत है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा के किस नदी को जानते हैं, तो दक्षिण की गंगा जो है निम्नलिखित में से हम लोग जो है कावेरी नदी को जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण की गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, भारत की सबसे लंबी नदी कोई और नहीं बल्कि आपका वो जो है गंगा है, गंगा जो है सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो हुंडंग है, जोंग है, काकोलत है या येना है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह आपका कोई और नहीं बल्कि आपका जोंग है, जोंग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, समझ गए, जोंग। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है, गोमती, सतलज, झेलम, ब्यास। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाखड़ा नागल जो आपका परियोजना है ये सतलज नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, साबरमती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो हीराकुंड बांध जो है ये आपका जो है महानदी पर बनाया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, दोनों प्रश्न को याद रखिएगा, भाखड़ा नागल डैम, सतलज और हीराकुंड जो है महानदी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना ये भी काफी महत्वपूर्ण है, नर्मदा, चंबल, भागीरथी, गंडक। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ना यह आपका जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से होती है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारक से वर्षा होती है, लौटती मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम विभोचन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम विभो, यहाँ पर याद रखिएगा, पश्चिम विक्षोभों से। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, मानसीराम, चेरापूंजी, नेतल हाट या पश्चिम घाट। तो भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में होता है, वो कहाँ पर होता है, तो मेघालय के जो है किस मतलब स्थान पर होता है, मानसीराम में होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न की हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। भारत का जो है सबसे अधिक जो है गर्म स्थान जो है वो आपका जैसलमेर है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, नॉर्वेस्टर या जेम स्ट्रीम या लू या काल वैसाखी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जानते हैं, लू कहते हैं, गर्मी में जो हवाएं चलते नहीं कहते हैं कि लू लग जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है, सतपुरा, विंध्याचल, सांदीजी और अरावली। भारत में जो है सबसे पुराना पर्वतमाला जो है कोई और नहीं बल्कि वो अरावली पर्वत है। तो इस पर्वतमाला को जो हम लोग सबसे पुराना पर्वतमाला कहते हैं, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है, तो वह जो है आपका किस राज्य का मतलब सीमा जो है देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है, तो वह कोई और नहीं बल्कि आपका जो है उत्तर प्रदेश है, समझ गए, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो सुंदरबन डेल्टा जो है यह आपका जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों पर बनाई गई है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से रबी फसल कौन, बताइएगा रबी फसल समझते हैं क्या होता है, याद रखिएगा रबि को ठंडा लगता है, रवि को जो है ठंडा लगता है, यानी कहने का मतलब है कि रवि फसल जो है ठंडा के समय में होता है। तो बताइएगा ठंडा के समय में कौन कौन सा होता है, तो गेहूं होता है, मटर होता है, मक्का होता है क्या, मक्का नहीं होता है, राई होता है, अरहर, अरहर होता है क्या, बताइएगा अरहर होता है, नहीं होता है शायद, नहीं होता है जी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि गेहूं, मटर और राई, ये आपका ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर करेक्ट है, 1, 2 और 5। मक्का नहीं होता है, अरहर नहीं होता है, क्लियर है। रबी, रबी फसल और खरीफ, खरीफ फसल जो होता है आपका गर्मी के समय में होता है, रबी फसल जो है आपका ठंडा के समय में होता है। तो रबी, यहाँ रबी एक लड़का का नाम है और उसको ठंडा लग रहा है, बस याद रखिएगा वही आप लिख दीजिएगा, फसल का नाम तो लिख ही दीजिएगा, समझ गए। अब वही आ गया खरीफ की बात आ गया, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन कौन सा है, बताइए भाई खरीफ, खरीफ समझ गए ना, बताइएगा धान कब होता है, गन्ना, गन्ना, अरहर, ज्वार, आलू, आलू तो शायद ठंडा में होता है ना शायद, बताइए खरीफ कब होता है, ये आपका 98 नंबर प्रश्न है, बताइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कब होता है। तो यहाँ पर गन्ना होता है गर्मी के समय में, आपका अरहर भी होता है, ज्वार भी होता है और यहाँ पर आपका आलू भी होता है, ये आपका जो है ना धान नहीं होता, धान जो है ठंड बरसात में होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 4 और 5, समझ गए खरीफ में। अगला प्रश्न है कि भारत के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, रेशम जो है आपका कहाँ उत्पादक होता है, तो यह जो है आपका कर्नाटक में होता है,
याद रखिएगा, केसर के लिए आपका जो है कौन है, जम्मू कश्मीर है। झारखंड जो है आपका लोह अयस्क की तैयारी के लिए, केसर का उत्पादक जम्मू कश्मीर, इसका आंसर आपका डी। याद ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित बताइए आप क्या होगा। हरित क्रांति का संबंध किससे, श्वेत क्रांति का, नीली क्रांति का, गुलाब क्रांति का। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध जो है आपका खाद्यान्न से है। क्लियर है ना। यहाँ पर बोला है कि सुमेलित नहीं है, मतलब गलत पूछना है, गलत आपको बताना था। ये तो सही है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, ये भी सही है। नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य से, सही है। गुलाबी क्रांति का संबंध मांस से नहीं है, मांस से शायद नहीं है, समझ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए, ये मांस से नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिलान करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ भी आपको निगेटिव ढूंढना है, बताइएगा। पीसी कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें चार चार पांच प्रश्न है। पीसी कल्चर में हम लोग जो है किस चीज की मतलब खेती करते हैं, तो मत्स्य की खेती करते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, ना ना, सही है। पीसी कल्चर में हम लोग मत्स्य का, सही है। सेरिकल्चर में रेशम का, सही है। एरोपोनिक में केचुआ का पालन, नहीं। ओरेलिकल्चर में सब्जी का, ये बात सही है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। अगला देखिएगा, आपका सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है, बताइएगा। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर जैसलमेर में मिलता है, मकराना में मिलता है, या गिरिडीह में मिलता है, या मुंगेर में मिलता है। तो सर्वोत्तम कोटि का जो आपका संगमरमर मिलता है वो कहीं और नहीं बल्कि मकराना में मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खनिज है यहाँ पर प्राप्त स्थान है, यूरेनियम कहाँ से मिलता है, मोनोजाइट, लिग्नाइट या पेट्रोसियम। तो यूरेनियम का बताइएगा कहाँ से, आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो यूरेनियम झारखंड में मिलता है, ये बात हमको सही लग रहा है, क्योंकि यूरेनियम जो है झारखंड में मिलता है, मोनाजाइट जो है केरल में मिलता है, ये बात सही, लिग्नाइट तमिलनाडु में, लेकिन पेट्रोलियम जो है झारखंड में नहीं मिलता है, ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर बोला था कि सुमेलित नहीं है, यहाँ पर डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वाला उद्योग क्या है, लोह अयस्क, सीमेंट, सूती वस्त्र या चीनी। तो रोजगार की दृष्टि से जो है आपका सूती वस्त्र जो है सबसे बड़ा भारत में आपका उद्योग है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, नहीं है, नॉट, यहाँ भी मतलब पूछा है। उद्योग है, संबंधित नगर, देखिएगा, लोकोमोटिव वाराणसी, ये तो सही है। रेल डिब्बा कपूरथला, शायद ये भी आपका सही है। रेल डिब्बा जो है कपूरथला यहाँ बनता है, सही है। विद्युत इंजन रेल चितरंजन, ये भी सही है। मोटर कार पटना, ये गलत है, मोटर कार पटना नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी गलत है, और यही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, बताइएगा। सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH 7 है आपका, समझ गए, कन्याकुमारी तक जोड़ता है वाराणसी से। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताइए रेल मंडल और उसका मुख्यालय, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। उत्तरी रेलवे का कहाँ पर है, नई दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुंबई, मुंबई टीवी। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, ये सही है, मध्य रेलवे का मुंबई। तो यहाँ पर गलत कौन है, बताइए आप। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर आपका उत्तरी पश्चिमी रेलवे जो है मुंबई नहीं है, बल्कि मध्य रेलवे का मुंबई है। यहाँ पर देख रहे हैं जो आप ऑप्शन नंबर बी वाला, ये आपका जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पर यही गलत है, बाकी आपका सब सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहीं और नहीं बल्कि आपका कर्नाटक में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे पहला जो है जैव आरक्षित क्षेत्र कौन है, नीलगिरी, सिमलीपाल, पंचमढ़ी या कंचनजंगा। तो देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो है कोई और नहीं बल्कि आपका नीलगिरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो शेर के संरक्षित के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण है वो आपका गीर राष्ट्रीय उद्यान है, समझ गए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, सूरत को, मुंबई को, अहमदाबाद को, कोलकाता को। तो सूती वस्त्रों की राजधानी जो है आपको मुंबई को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर भारत में पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है, पीटर्सबर्ग जो है किस शहर को कहा जाता है, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, श्री सेलम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जमशेदपुर, यानी कि पीटर्सबर्ग कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट के नाम से किस शहर को जाना जाता है, डेट्रॉइट को, बेंगलुरु, भोपाल, गुड़गांव, यहाँ पर आपका क्या है, पीथमपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा पीथमपुर। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है प्रश्न की स्वांगला कहाँ पर की जनजाति, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। स्वांगला जो है ये कहाँ की जनजाति है, तो स्वांगला जो है ये आपका जो है पंजाब की जनजाति है, समझ गए। गारो खासी जनतिया जो है ये एक पूछता है, याद रखिएगा, समझ गए। मेघालय, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है, बताइएगा, असम का दिसपुर, ऑप्शन नंबर बी सही है, 17 का बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यहाँ पर याद रखिएगा डेल्टा नहीं बनाती है, उसको हम लोग नर्मदा नदी कहते हैं, डेल्टा नहीं बनाती। अगला है, भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कृत्रिम झील है, समझ गए, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है कोई और नहीं बल्कि आपका व्हीलर झील है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, तो लंबी नहर जो है आपका वो इंदिरा गांधी नहर है,
भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वह जो आपका है दामोदर नदी के किनारे पर किया गया है, समझ गए। और अंतिम प्रश्न ऊपर बात करते हैं कि सोन की रेशा कहा जाता है कपास को, जूट को, पीतल को, रेशा को, तो वह जो है सोन की रेशा हम लोग जो है जूट को कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो अभी हमने जो है टोटल आपका 130 प्रश्न किया जो कि आपका भूगोल से रिलेटेड था। तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा प्रश्न कैसा लगा, और जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, ओके, टेक केयर।